वन पर्सन, टॉपिक इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. वी इन इंडिया फॉलो दिस बिकॉज इन अवर कंट्री एवरी वन हैज गिवन ओनली वन वोट. वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, चाहे वो वोट प्राइम मिनिस्टर की है, मे बी द वोट ऑफ ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री. वैल्यू ऑफ वोट इज सेम. आपने कभी इंडिया में सुना है कि टू वुमेन के वोट की वैल्यू एक मेल के बराबर है? नहीं. इंडिया में ऐसे सुना कभी कि पॉलिटिकल जो हमारे पावर होल्डर्स हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ पावर होल्डर्स इज मोर एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल? नहीं, ऐसा नहीं है. एक बार मैं बार बार बोलती हूँ, इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया में हम सारे रूल्स, सारे फीचर्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी जो है ना, हम सब फॉलो करते हैं. हमारी गवर्नमेंट सबको फॉलो करती है इंडिया में. सो अवर्स इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, बट हेयर आर सम कंट्रीज वेयर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ पीपल इज नॉट सेम. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन थ्री कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी. ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोगों के वोट की वैल्यू सेम नहीं है. इन सऊदी अरेबिया वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वुमेन इज लेस. टू वुमेन की वोट इज इक्वल टू वन मेल इन सऊदी अरेबिया. नाउ दीज आर द थ्री कंट्रीज वेयर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द पीपल इज नॉट सेम. विच आर द कंट्रीज? सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी. अब इसी को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बना के दूं. आउट ऑफ दीज देयर इज अ कंट्री, इसमें से आपने रॉन्ग वाला कंट्री बतानी है कि विच इज रॉन्ग. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज फॉलोड इन, आप कह सकते हो, इज नॉट फॉलोड इन दिस कंट्री. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज नॉट फॉलोड इन दिस कंट्री. तीनों ये कंट्रीज देखे, साथ में लिखा जाए इंडिया, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? तो ये भी वन मार्क में कन्वर्ट हो जाना है. ये भी एमसीक्यू बन सकता है. मींस ठीक है, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन सऊदी अरेबिया? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ टू वुमेन इज इक्वल टू वन मेल. मींस दो वुमेन के वोट की वैल्यू एक मेल के बराबर है. वुमेन को उन्होंने इंफीरियर रखा हुआ इन सऊदी अरेबिया एंड इन एस्टोनिया. रशियन माइनॉरिटी है ना, जो पीपल रशियन पीपल है जो, दे आर इन माइनॉरिटी इन एस्टोनिया एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट. मीन्स रशियन माइनॉरिटी को यहाँ पे राइट टू वोट नहीं मिला हुआ. मिला भी है, बहुत मुश्किल से मिलता उनको. तो किनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन एस्टोनिया? रशियन माइनॉरिटी में जो लोग है ना, दे हैव टू फेस प्रॉब्लम इन एस्टोनिया. उनके वोट की वैल्यू कम है, उनको वोटिंग राइट ही नहीं दिया हुआ पहली बात तो. ठीक है, इन एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल है टू गेट राइट टू वोट. एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी एंड इन फिजी. इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इंडिजीनियस फिजी. इंडिजीनियस फिजी, वहां के जो फिजियन है उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन फिजी. जो इंडिया से लोग गए हैं वहां पे माइग्रेट होके, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इंडियन फिजी इज लेस. इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इंडिजीनियस फिजी. पता चल गया? तीनों में वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वुमेन इज लेस. टू वुमेन के वोट की वैल्यू एक मेल के बराबर है. रशियन माइनॉरिटी, इट्स डिफिकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटी टू गेट राइट टू वोट इन एस्टोनिया. फिजी, इंडिजीनियस फिजी के वोट की वैल्यू ज्यादा एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी. मीन्स अगर हम लोग जाएंगे वहां पे, हम इंडियन फिजी हो जाएंगे, अगर वहां जाके सेटल होते हैं तो हमें वोटिंग राइट, हमारे वोट की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू इंडिजीनियस फिजी. वो जो वहीं पे जिनका बर्थ हुआ है उनसे हमारे वोट की वैल्यू कम होगी. तो ये है थ्री कंट्रीज जहां पे वैल्यू वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू फॉलो नहीं किया जा रहा. ठीक है, नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. इन इंडिया वी फॉलो इट. हमारे यहाँ पे लॉ की रिस्पेक्ट की जाती है. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की भी प्रॉपर रिस्पेक्ट है.
हमारी जुडिशरी हायर कैप्ट हायर एज गवर्नमेंट. जजेस अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट वे से लेते हैं, उनके ऊपर कोई आउटर प्रेशर नहीं होता. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया वी हैव. हमारे यहाँ पे राइट्स की भी प्रॉपर रिस्पेक्ट है. अवर राइट्स आर वायलेटेड बाय अवर फेलो बीइंग और सोसाइटी और इवन बाय गवर्नमेंट. वी कैन गो टू कोर्ट. हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करे. वी कैन गो टू कोर्ट. तो कोर्ट रिट्स इशू करती है, रिट्स के थ्रू फिर कंपनसेट किया जाता है जिसको जो विक्टिम होता है. एंड पनिशमेंट इज गिवन टू द वायलेटर. उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है जो जिसने राइट को वायलेट किया होता है. सो इन इंडिया वी आर फॉलोइंग दिस. ठीक है, हम इंडिया में फॉलो करते हैं बट नॉट फॉलोड इन जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पे ये कुछ भी नहीं है. अब व्हाट हैपेंड इन जिम्बाब्वे. अब हम थोड़ा सा पास्ट का करेंगे. जिम्बाब्वे की स्टोरी है. जिम्बाब्वे गोट फ्रीडम इन 1980. 1980 में जिम्बाब्वानवा को 1980 में से फ्रीडम मिली फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी से. 1980 फ्रॉम वाइट रूल ऑफ वाइट माइनॉरिटी मीन्स ये वाइट माइनॉरिटी के अंडर था. जिम्बाब्वे वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट माइनॉरिटी. माइनॉरिटी वाले लोग रूल कर रहे थे वहां पे. फॉर एग्जांपल इन इंडिया ब्रिटिश माइनॉरिटी में ही थे तो रूल करके चले गए वाइट माइनॉरिटी तो थी वो. तो सेम एज इन जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी का रूल था. एंड इन 1980 जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ. किससे फ्रीडम मिली इन्हें? वाइट माइनॉरिटी के रूल से. एंड देन इट वाज जैसे हमारे इंडिया में तब उस टाइम कांग्रेस ने मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया था. मेन रोल इन इंडिया प्लेड बाय कांग्रेस पार्टी, पता है ना. सेम एज इन जिम्बाब्वे ZANU-PF वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी थी दैट प्लेड द रोल इन नेशनलिस्ट मूवमेंट. यू हैव टू राइट द नेम. ये वहां की पॉलिटिकल पार्टी है. दिस पार्टी प्लेड ग्रेट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. अब लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. मुगाबी मुगाबी बिकेम द प्रेसिडेंट. तो जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम इन 1980 कहां से मिली? वाइट माइनॉरिटी से. देन इट वॉज रूल्ड बाय ZANU-PF. द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबी. रॉबर्ट मुगाबी पूरा नाम लिख लो. रॉबर्ट मुगाबी बिकेम द लीडर. वो लीडर था इस पार्टी का एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द प्रेसिडेंट. अब नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन जिम्बाब्वे रेगुलरली. इलेक्शंस इन जिम्बाब्वे वर हेल्ड रेगुलरली बट ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी. वहां पे इलेक्शंस भी रेगुलरली होते थे बट ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी. जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी. इलेक्शंस इन जिम्बाब्वे वर हेल्ड रेगुलरली बट ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF. यही पार्टी हर बार जीतती थी. प्रेसिडेंट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. कैसे जीतते थे? जैसे आपने पहले पढ़ा PRI यूज डर्टी ट्रिक्स. यहाँ पे आप कहोगे प्रेसिडेंट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता था वो. एंड हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स. इंडिया में हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है? नो. देयर इन जिम्बाब्वे गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स एंड इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों चेंजेस करते थे? टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ पे ऐसा होगा कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करो, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पावर्स ही बढ़ा दो. नो. तो वहां पे क्या होता था? गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम एंड इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ाते थे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. उसे लेस अकाउंटेबल बनाते थे. हमारी गवर्नमेंट कैसे है? अकाउंटेबल, पता है ना, आंसरेबल है. उन्होंने प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल ही नहीं रखा.
मींस कोई प्रेसिडेंट से कुछ नहीं पूछ सकता एंड मेक द प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल. चेंजेस कर दिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेड द प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल, उसे लेस अकाउंटेबल बना दिया. ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड. अब वहां पे ओपोजिशन पार्टीज थी. द वर्कर्स ऑफ ओपोजिशन पार्टी वर हरास्ड, देयर मीटिंग्स वर डिसरप्टेड बाय, देयर मीटिंग्स वर डिसरप्टेड बाय ZANU-PF. उनके मीटिंग्स को भी डिसरप्ट कर देती थी ये वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी. ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को हरास करते थे वो, एंड देयर मीटिंग्स वर आल्सो डिसरप्टेड. पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, मींस लोग भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे. हमारे तो हर कोई भी प्रोटेस्ट कर देता है. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर आल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल, मींस कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता था वहां पे. पीपल कुड नॉट क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट. मीडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. मीडिया किसके अंडर था? गवर्नमेंट के अंडर. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स ऑल्सो, बट द जर्नलिस्ट ऑफ द न्यूज पेपर्स वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट प्रेजिडेंट मुगाबी एंड द रूलिंग पार्टी ZANU-PF. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स ऑल्सो, बट जर्नलिस्ट ऑफ द न्यूज पेपर्स वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द प्रेजिडेंट एंड द गवर्नमेंट. वो नहीं लिख सकते थे गवर्नमेंट और प्रेजिडेंट के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं लिख सकते थे. तो कहे की फ्रीडम हुई बताओ? जुडिशरी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एज द डिसीजंस ऑफ द जजेस, decisions of the judges could be changed by the president. Judiciary was not independent. Hamari country mein judiciary is independent, but in Zimbabwe judiciary was not independent. Judges, decision of judges were changed or could be changed by president. So aap batao, kya Zimbabwe democratic thi? Aise rule ke sath kya wo democratic thi? नो. अनफेयर मीन्स यूज करते थे जीतने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस. रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट दोनों ही नहीं थे वहां पे. राइट की कोई रेस्पेक्ट नहीं थी बिकॉज पीपल हैड नो राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे तो वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बोथ आर इलेक्टेड बाय पीपल. जो लोग इलेक्ट करते हैं तो लोग उनको क्रिटिसाइज करने का भी राइट रखते हैं. हमारे यहाँ पे फ्रीडम है. कार्टून्स बना देते हैं लोग प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय पीपल. बट प्रेसिडेंट के नहीं बनाते बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. बट इन जिम्बाब्वे वहां पे राइट ही नहीं था टू क्रिटिसाइज इट, मींस लोगों के पास राइट ही नहीं थे. अगर न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे बट वो जर्नलिस्ट दे वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द, नॉट अलाउड टू स्पॉइल द इमेज ऑफ द प्रेसिडेंट मुगाबी. ठीक है. अब इसमें आपको याद रखना है जिम्बाब्वे को कब फ्रीडम मिली, 1981 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं. एंड किससे फ्रीडम मिली? वाइट माइनॉरिटी से. अब जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लिया? ZANU-PF. बाद में इसी का लीडर क्या बन गया? प्रेसिडेंट. कौन है? रॉबर्ट मुगाबी. रॉबर्ट मुगाबी पावर में आया. इलेक्शंस वर हेल्ड इन जिम्बाब्वे रेगुलरली, बट ऑल द टाइम्स इलेक्शंस वर वॉन बाय दिस पार्टी. And President Mugabe used unfair practices to win the elections. और इसने क्या क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? किसमें चेंजेस किए? कॉन्स्टिट्यूशन. किसकी पावर्स इंक्रीज की? प्रेजिडेंट. और क्या बना दिया उसे? लेस अकाउंटेबल. वहां पे ओपोजिशन पार्टीज थी बट दे वर नॉट अलाउड. उनकी मीटिंग्स नहीं होती थी, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करते थे. देयर मेंबर्स वर हरास्ड. वहां पे इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं था. और इंडिपेंडेंट आप कहोगे अगर न्यूज़पेपर्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट मुगाबी और अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ऐसा कुछ भी नहीं था. पीपल वर नॉट गिवन राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट.
कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, ना ही वो अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे. इट मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ राइट भी नहीं थी वहां पे. तो ये सब कुछ था जिम्बाब्वे में. जुडिशरी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, डिसीजंस ऑफ जजेस वर चेंज्ड बाय मुगाबी. वो चेंज कर देता था उसके जजेस के डिसीजंस को. तो इन दिस वे वी कैन से जिम्बाब्वे वॉज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री. अब चाइना में फेमाइन आई. अब ये इयर्स आपको लर्न रखना है, 1958 टू 1961. 1958 वन मार्क क्वेश्चन टू 61 फेमाइंस केम इन चाइना. इसको हमने इंडिया के साथ कंपेयर करना, इंडिया के साथ कंपेयर करना. इसमें कोई वन मार्क क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, सिर्फ यही वन मार्क क्वेश्चन है 58 61. बाकी तो एक कह लो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आना नहीं है तो, पर मुझे बताना तो पड़ेगा ना ये इसका क्या है क्या. फेमाइन केम इन चाइना इन 1958 61. इसमें 3 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन चाइना. 3 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. कितने लोग? 3 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एट दैट टाइम. इकोनॉमिक कंडीशन of India was also poor. जब चाइना में फेमाइन आया ना तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो वेरी पुअर. इंडिया में भी बुरे हालात थे उस टाइम, बट हमारे यहाँ पे फेमाइन नहीं आई. नो फेमाइन केम इन इंडिया. देर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया. चाइना फेस द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, वेयर एज इंडिया, इंडिया के बुरे हालात थे, बट इन इंडिया गवर्नमेंट ने फूड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं होने दी. रीजन क्या है इसके पीछे? चाइना में हम कहेंगे ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी थी, उसको क्रिटिसाइज कोई नहीं कर सकता था, ठीक है. वेयर एज इन इंडिया मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है चाइना में. वेयर एज इन इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, ठीक है, हैज टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. तो इंडिया में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे ना, दे वर अकाउंटेबल. वो तो अभी भी अकाउंटेबल है, तब की बात कर रही हूँ. तो उन्होंने एक साथ में मीडिया इंडिपेंडेंट, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस जो इंडिया में स्टार्ट हुए थे. तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होने ही नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट अवेयर रही, लोग गवर्नमेंट को अवेयर करते थे उसको क्रिटिसाइज करके. वहां पे क्रिटिसाइज अभी कोरोना में क्या हुआ है, इंडिया में तो कोरोना में कितना क्रिटिसाइज किया अपनी गवर्नमेंट को, चाइना में तो उन्होंने बार बात ही नहीं आने दी. तब बात बार आई जब सब कुछ इतना बिगड़ गया. कितना पहले उन्होंने सब कुछ दबाया पता है ना. अगर वो नई बिगनिंग से ही कंट्रोल करते हो सकता कोरोना इतना आता ही ना, वायरस फैलता ही ना. उनके खुद के इंटरव्यूज थे उनकी अपनी कंट्री के लोगों के, चाइनीज ने लोगों को, चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों को मीडिया के सामने ही नहीं आने दिया कि कहीं से ये वायरस की बात बाहर ना चली जाए. अगर ये बिगनिंग, वहां पे भी तो कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, वहां पे कितने लोग मरे हैं चाइना में. तो अगर वो शुरू से इसको कंट्रोल करते तो कुछ भी ना, शायद बाकी कंट्रीज भी ना फ्लाइट्स बंद कर देते, बाकी कंट्रीज की बॉर्डर सील कर लेते अपने, बाकी कंट्रीज को गिफ्ट ये जाता ही ना. उन्होंने तो बांटा ही है गिफ्ट के, ये ले जाओ अपनी कंट्री में भी ले जाओ. तो इट मीन्स ये सब कुछ उस कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अवेयर रहती है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. मैं कह रही हूँ चाइना में भी फेमाइन आया, चाइना में फेमाइन आया, 3 करोड़ पीपल लूज देयर लाइफ. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो वर्स्ट इन दोज डेज. इंडिया की तो कहते ज्यादा बुरे हालात होने थे, बट क्यों प्रॉब्लम नहीं आई? डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. इंडिया में हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है. People have right to criticize the government. India में media is independent. Media ही धज्जियां उड़ा देता है government की. कोई थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो, कैसे media में problem, media कैसे उड़ाता है government की धज्जियां, आप देखते हो ना. तो ये सब कुछ चाइना में नहीं था ना. तो चाइना की government ही accountable नहीं थी, उन्होंने bother ही नहीं किया. So they don't bother about the problems of the people. मरने दिया लोगों को. इंडिया में ऐसे नहीं हुआ. In India, people stand shoulder to shoulder during the time of emergency. तो ये कहीं ना कहीं फर्क है. तो ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, ये फेमाइन किसके लिए ज्यादा कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन किसके लिए लेके आए? चाइना. इंडिया के लिए इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आए. नाउ इज इट क्लियर?
This chapter is now completed. Firstly, we have done one person, one vote, one value, and you have to learn the name of these three countries. पता होना चाहिए सोनिया में किसको राइट नहीं है, पीजी में किसको राइट नहीं है, यहाँ पे किसकी वोट की वैल्यू कम है, वुमन रूल ऑफ लॉ, जिम्बाब्वे, ज़ेनुकेफ, मुगाबी, उसके बारे में पता नहीं, ईयर पता होना चाहिए 1981 मार्क क्वेश्चन के लिए, किसके अंडर था, व्हाइट माइनॉरिटी के अंडर था, हु वाज द प्रेसिडेंट, पार्टी, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो मैंने स्टोरी बताई है वहाँ की, वो क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर टू चाइना में फेमाइंस के ईयर्स 1958 टू 60, तो क्या इंडिया में गुड कंडीशन थी उस टाइम, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज पुअर, तो क्यों नहीं इंडिया को प्रॉब्लम आई, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दीज टू कंट्रीज। इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, चाइना की गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, जैसे रॉबर्ट मुगाबी को उन्होंने लेस अकाउंटेबल बना दिया था।